नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस छोटे से YouTube चैनल में। एक दिक्कत आ गया कि मेरा एक छोटा सा एक्सेल फाइल है जहाँ पे मैं काफ़ी सारे डेटा रखता हूँ, जहाँ पे जितने भी आज से ऑर्डर किए हैं, 7-8 साल से जितने भी ऑर्डर किए हैं वो सभी डेटा इसके अंदर है। ये एक्सेल फॉर्मेट में है, तो इसमें थोड़ा सा दिक्कत आ गया। क्या दिक्कत है कि इसको जब हम ओपन करते हैं, अभी आप देख लीजिए, इसको जब हम ओपन करेंगे, जब काफ़ी ज़्यादा टाइम लेगा ओपन होने के लिए, बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है। यूजुअली इतना टाइम नहीं लेता, आपको थोड़ी देर इंतज़ार किए। ये ओपन होने के बाद यहाँ पे कुछ बता रहा है कि हम देखेंगे एक्सेल फाउंड अनरीडेबल कंटेंट, मतलब कुछ दिक्कत आ गया इसमें। अनरीडेबल कंटेंट जो है उसको मिला है, जिसकी वजह से ये फाइल जो है वो नहीं ओपन कर पा रहा है सही तरीके से। तो इसको अगर नो करेंगे तो ये फाइल को स्किप कर देगा, और इसको अगर यस करते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है। मैं आपको एक्चुअल टाइम जो है वो दिखा रहा हूँ। बहुत ही ज़्यादा टाइम लेगा ये, आपको थोड़ी देर इंतज़ार करना पड़ेगा। वीडियो में मैं जितना हो सके इसको शॉर्ट करने की कोशिश करूँगा, लेकिन आपको मैं इसका टाइम दिखा रहा हूँ। ये काफ़ी सारा डेटा है। इसके बाद आता है ये ऑप्शन, ये एक्सेल वेल एबल टू ओपन द फाइल बाय रिपेयरिंग। ये बता रहा है, खुद रिपेयर कर रहा है, फिर आपको ये फाइल ओपन करके दे रहा है। बहुत बढ़िया बात है, एक्सेल ने खुद रिपेयर कर लिया। यहाँ पे आप देखेंगे कि इस ऑर्डर के सीधा ये सेल जो है वो सिलेक्ट करके रखा हुआ है। ये मैंने कलर दिया हुआ है, ये मैंने खुद कलर दिया, और ये सेल जो है ये खुद सिलेक्ट करके रखा है। क्लोज करता हूँ तो सब कुछ नॉर्मल है, सब कुछ ही नॉर्मल दिख रहा है। लेकिन एक चीज़ जो अबनॉर्मल है वो है, इसको सिलेक्ट करके रखा है ये, और मेरे हर एक ऑर्डर के साथ हर एक आइटम का कमेंट में इसका तस्वीर रहता है, वो नहीं आ रहा है। मेन दिक्कत यही है कि फाइल खुल जाएगा, फाइल आप एडिट भी कर सकते हो, लेकिन वो तस्वीर जो है हर एक ऑर्डर के साथ नहीं दिखेगा। तो इसको कैसे मैंने सॉल्व किया वो जरा आपको दिखाऊंगा। वीडियो में बने रहिए। सबसे पहले इसको क्लोज करते हैं, डोंट सेव करते हैं। एक्सेल को क्लोज करने के बाद ये काफ़ी सारे चीज़ों को मैंने ट्राई किया। मैंने 2003 वाला ऑफिस लोड किया, मैंने 2007 वाला ऑफिस लोड किया, 2019 भी लोड किया, उसके बाद कुछ एक्सेल व्यूअर लोड किया, फिर एक्सेल का कुछ टूल्स है वो भी लोड किया। जैसे कि ये बहुत से टेक्नीशियन बता रहे कि ये देखिए एक्सेल क्लीनर, ये सो एंड सो बहुत कुछ लोड किया, यहाँ पे स्टाइल एक्सेल, ये सब कुछ लोड करने के बावजूद भी ये सोल्यूशन नहीं निकला। लेकिन एक ज़रिया है इसको ठीक करने का। वो मुझे डाउट आया कि ये फाइल जब खुलता है, हर बार जब खुलता है वक्त तो लेता है बहुत। देखिए थोड़ा और वक्त लूंगा आपका, इस बार मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूं। ये क्लोज करने के बाद ये सारे सेल जो है वो नहीं खुल रहे हैं। तो इसमें मुझे डाउट आया कि इस सेल को वो सिलेक्ट करके क्यों रखा हुआ है, इस सेल को कुछ दिक्कत होगा इस सेल में। शायद ये राउंड के अंदर जो आर है उससे दिक्कत है, या तो फिर इसका जो नाम है पूरा नाम में कुछ करप्शन है, जिसकी वजह से वो पहली बार इस सेल को अभी इसको डिलीट कैसे करें, डिलीट करके सेव करेंगे। ये मैं डिलीट कर रहा हूँ, इसको डिलीट कर दिया, दिक्कत हट गई। अभी इसको सेव करेंगे, सेव एज,
अभी इसको करेंगे, सोचिए यहाँ पे मैं इसको कर रहा हूँ टेस्टिंग, टेस्टिंग हो गया, सेव हो गया। अभी इसको क्लोज कर दे रहे हैं, ये देखिए आ गया टेस्टिंग। लेकिन इसका फाइल साइज देखिए 171 KB, जितने भी इमेजेस थे जितने भी डेटा थे इसको हटा दिया, लेकिन मेरा मेन फाइल अभी भी 50 MB का फाइल है। एक्सेल फाइल 50 MB का मतलब बहुत ज़्यादा लोड होता है। ये 2013 से जितने भी ऑर्डर हैं वो सब इसी में लिखे हुए हैं, उसके साथ उसका इमेज भी डाला हुआ है। तो इसको कैसे मैंने सॉल्व किया वो अभी इस वीडियो में कुछ देर के बाद देख लेंगे। तो चलिए वीडियो में एंटर करते हैं कैसे हमने सॉल्व किया इसको। ये सब टूल्स जो है वो मैंने पहले से ही लोड करके रखा हुआ था, कुछ काम में नहीं आया। फिर मेरा डाउट जो वही था कि उस सेल को कैसे हटाएंगे, उस सेल को अगर हटा देते हैं तो ये फाइल जो है इसमें से करप्ट सिस्टम जो है वो हट जाएगा। तो बहुत स्टडी करने के बाद इधर उधर के 2007 लोड किया, 2010 लोड किया, 2007 लोड करने के बाद भी ये नाकाम रहा, 2010 पोर्टेबल व्यूअर, 2003 सब कुछ लोड किया, सब कुछ नाकाम रहा। तो फिर जाके एक उपाय आया, यहाँ पे WPS ऑफिस बोल के एक है, ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है उसका अल्टरनेट है, यहाँ पे आराम से डाउनलोड कर सकते हैं और साइज़ में काफ़ी छोटा है। अगर इसको विंडोज़ के लिए डाउनलोड करते हैं तो काफ़ी छोटा है, इसको मैंने डाउनलोड करके रखा हुआ है तो मैं दोबारा से डाउनलोड नहीं करूँगा अभी इसको। ये देखिए ये प्रोग्राम के अंदर ये WPS ऑफिस जो है ये मैंने डाउनलोड करके रखा हुआ है ये वाला, और इसका साइज है 149 MB। ये देखिए 149 MB। अभी इसको इंस्टॉल करते हैं। ये एग्रीमेंट पूछ रहा है, अभी इसको डायरेक्ट इंस्टॉल करते हैं। यहाँ से कुछ आप PDF फाइल भी ओपन कर सकते हो इसमें से, दूसरा सभी कुछ बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पर मैं अभी ध्यान नहीं दूंगा, मैं इस चीज़ के ट्यूटोरियल के नहीं हूँ, मेरा दिक्कत ही जो है उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसको इंस्टॉल करते हैं, इसको भी मैं फास्ट फॉरवर्ड कर दे रहा हूँ। क्लीन कर देते हैं, ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के जैसा उतना टाइम भी नहीं लेगा इंस्टॉल होने के लिए। तो ये इंस्टॉलेशन जो है इसका कंप्लीट हो चुका है। अभी हम चलते हैं फिर से वही मेरा जो फाइल है वहाँ पे। अभी वो फाइल पे अगर जाके देखते हैं, इसको थोड़ा साइज बढ़ाएंगे, ये फाइल का आइकॉन भी चेंज हो गया, गेटिंग स्टार्टेड बता रहा है, ठीक है, वेलकम वगैरह सब कुछ होता है, लॉन्च हो रहा है ये। अभी यहाँ पे देखिए WPS ऑफिस में वेलकम कर रहा है, इसको पहले क्लोज करेंगे। अभी ये जो फाइल है ये एक्सेल से WPS के सीट में कन्वर्ट हो चुका है, लेकिन साइज इसका अभी भी वही है 50 MB का, और ये वाला जो टेस्टिंग किया था अपन वो 171 KB का। तो इसको पहले ओपन करते हैं, इसको अगर WPS ऑफिस में ओपन करते हैं, ये बिना दिक्कत के ओपन हो गया, और ये भी वही सेल को सिलेक्ट करके रखा हुआ है देखिए यहाँ पे, और इस सेल के अंदर देखिए ये तस्वीर है, यहाँ पे इसका तस्वीर है, यहाँ पे इसका है, ये सब अलग अलग से तस्वीर है, अलग अलग से ऑर्डर है, जितने भी ऑर्डर होंगे उस सब का तस्वीर है यहाँ पे। ये जो भी कुछ परचेज हुआ है, जो भी कुछ यहाँ से परचेज हुआ है उस सब का तस्वीर यहाँ पे लगा हुआ है मेरा,
इस सेल को वो भी सिलेक्ट करके रखा है, तो हम क्या करते हैं, इस सेल को ही डिलीट करते हैं। डिलीट कर दिया, अभी इसको सेव एज करेंगे। सेव एज के टाइम पे ये पूछ रहा है, ये अलग अलग फॉर्मेट्स हैं, ये सेव एज पे जाएंगे तो यहाँ पे ये जो यूनिवर्सल फॉर्मेट है XLSX, मतलब कि एक्सेल में खुलेगा और WPS में भी खुलेगा, इस पे सेव करेंगे। इसका नाम देंगे, ये देखिए शॉपिंग 2020 था, अभी यहाँ पे 2020 टेस्ट टेस्ट शॉपिंग 2020 नाम का दे दिया हमने, और सेव करते हैं और इसको क्लोज करते हैं। क्लोज करने के बाद ये आ गया अपना फाइल, जिसका साइज अभी भी है 47 MB का, 47.6 MB का। अभी इसको खोलेंगे हम जो माइक्रोसॉफ्ट का एक्सेल है उससे, अभी दिक्कत हो रहा है कि नहीं देखते हैं। ये बहुत सारे, ये फ्री एक्सेल व्यूअर लोड किया था, ये WPS ऑफिस जो है यहाँ पे काम कर सकता है, ये 7 जो है वो है। अभी ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आप इसको ओपन करेंगे। एक्सेल में ओपन करने के बाद थोड़ा फाइल बड़ा है, टाइम कंसीडर कर सकते हैं अपन। ये खुल गया आराम से, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखिए हर एक प्रोडक्ट का डिटेल्स जो है वो यहाँ पे शो कर रहा है। ये आज का नहीं है, ये अगर आप, आपको दिखाऊं मैं, ये देखिए 2013 में 23 जनवरी को 2013 में सबसे पहला ऑर्डर मेरा यही था। उसके बाद ये यहाँ से लेके बहुत सारे ऑर्डर जो है वो हमने प्लेस किए हैं। तो ये है मेरा टाइप का सोल्यूशन, और मैं सबसे आखिर में एक शुक्रिया देना चाहूँगा इस सॉफ्टवेयर का, जो कि है WPS ऑफिस। ये WPS ऑफिस को मैं शुक्रिया देना चाहूँगा, जिसकी वजह से मेरा सोल्यूशन सॉल्व हो पाया है। एंड अबव ऑल थैंक यू WPS ऑफिस, दिस इज़ द बेस्ट अल्टरनेट। शुक्रिया दोस्तों मेरे इस वीडियो में मेरे साथ रहने के लिए। आप सभी को दुर्गा पूजा के शुभकामनाएं, शुक्रिया।